हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी इमरती की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगी और घर के बने सामान से तो बहुत ही बढ़िया और शानदार रसीली रस भरी, जिसे आप किसी भी त्यौहार पे एंजॉय कर सकते हैं या कभी मीठा खाने का मन हो तब बना लें। तो ये लिए मैंने दाल को मैंने रात भर भिगो दिया था। सुबह इसको अच्छे से धो के बढ़िया से पीस लिया है, कम से कम पानी का यूज़ किया पीसने में। और इसको इस तरह से फेंट लेंगे, जितना अच्छे से आप इसको फेंटोगे उतनी बढ़िया आपकी इमरती बनके तैयार होएंगी। तो एक ही डायरेक्शन में आप इसको फेंटते जाएं, इसी तरह से फेंटते रहें जब तक इसका कलर ना चेंज होने लग जाए। दो तरीके हैं इसके चेक करने के, एक तो ये डबल हो जाती है, दूसरा इसका कलर वाइट हो जाता है बिल्कुल फेंटने से। और फिर हम इसको पानी में डाल के चेक कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से फेंटी गई है या नहीं। तो कई तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है, अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, पानी में जब हम इस तरह से डालेंगे ना तो ये फ्लोट करनी चाहिए। अगर ये फ्लोट कर रही है तो बिल्कुल परफेक्ट है, अगर नहीं करी तो थोड़ा सा और इसको आप फेंट लें। ये मेरी बिल्कुल तैयार थी। मैंने इसमें 2 चम्मच लिया मैदा, मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, वैसे तो ये इसके बिना भी बन सकती हैं, पर ये डालने के बाद आपकी 2-3 दिन तक क्रिस्पी रहेंगी इमरती। तो अच्छी तरह से इसको इस तरह से फेंट लें। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सेट कर दिए। ये लिए थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज, मैंने बहुत कम लिया है। अगर आपको डार्क कलर की पसंद है तो आप इसमें डबल कर सकते हैं कलर को। मैं कलर कम ही डालना पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने कम डाला है। आप बिना कलर की बना सकते हैं, अगर आपके पास कलर नहीं है तो भी बहुत ही टेस्टी बनेंगी। सिर्फ देखने में थोड़ा सा फ़र्क लगता है, बस ये कलर टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको फेंट दिया है। इस तरह का बैटर होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। ये मैंने 1 कप लिया देसी खांड और 1/2 कप लिया पानी। आप एक ही बार में 2 कप लेना और 1 कप पानी लेना, क्योंकि मैंने एक बाद में बनाई थी 1 कप से। तो इस तरह की कोन में मैं इसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये कोन नहीं है तो आप दूध की थैली या कोई भी मोटी थैली में लेके नीचे छोटा सा होल कट कर लें, उससे भी आपकी इमरती बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये मैंने सारा इसमें बैटर भर दिया है। घी को मैंने कर दिया गरम, ये मैंने इसको रख दिया था गैस पे। ये अच्छे से उबल गई है, तो कोई तार नहीं चेक करना आपने इसमें, क्योंकि हमने पानी कम लिया था। चिपचिपी जैसे गुलाब जामुन की रेसिपी होती ना, उस तरह की चाशनी होनी चाहिए गुलाब जामुन जैसी। इस तरह से थोड़ा बैटर डाल के देख ले, अगर वो 3 सेकंड में ऊपर आ रहा है तो परफेक्ट है। इस तरह 2 गोले बनाएं, उसके ऊपर छोटे छोटे गोले बनाएं। इस तरह से बन जाती है इमरती। 2 गोले बनाएं, उसके ऊपर 2 छोटे छोटे गोले बनाएं। इस तरह से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी इमरती बहुत ही बढ़िया बनने लग जाए। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी पर हैं तो इमरती ना, घर में बनी तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो इसी तरह बना लें, कोई दिक्कत नहीं है टेढ़ी मेढ़ी भी बनने में। तो घी भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जब आप इसमें डालोगे तो घी गर्म होना चाहिए, और जब आप उसमें डाल रहे होगे तो गैस का फ्लेम लो कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हीट पे डालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हीट ज़्यादा ऊपर लगती है हाथ में। तो इस तरह से इनको उलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेकना है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आराम से आपकी इमरती घर में मार्केट जैसी बन के तैयार होंगी। टेस्ट उससे भी अच्छा आपको लगेगा और फ्रेश होंगी, और अपने घर के घी तेल का पता होता है हमने कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं। तो मार्केट से हमेशा अच्छी होती है घर की बनी मिठाई। तो इस तरह से इसको उलट पलट के सेक लें, बिल्कुल गोल बनी है, चपटी नहीं बनी है। अगर आपने ठंडे तेल या घी में डाली तो चपटी बनेंगी, और बहुत ज़्यादा गर्म में डाली तो डालते ही जल जाएंगी। तो हीट का ध्यान रखना है, बढ़िया से क्रिस्पी होगी। अब इनको सीधा चाशनी में डालना है। अगर चाशनी ठंडी होगी तो उसको हल्का गर्म कर ले, चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। देखिए कितनी सुंदर बनी है रेसिपी के, बिल्कुल नहा के आई है चाशनी में, शानदार चमकदार और बहुत ही टेस्टी। अब इनको जाली में निकाल देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे बर्तन में ही आ जाए। तो आप चाशनी एक ही बार में 2 कप से बनाना, मेरे को दोबारा बनानी पड़ी थी क्योंकि कम रह गई थी, 2 सर्कल ऊपर छोटे छोटे सर्कल। इसी तरह से सारी इमरतियों को हम तल लेंगे, छोटी बड़ी जैसे बनाना वो आपकी मर्जी है, बस हीट का ध्यान रखना है ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। और बैटर को अच्छे से फेंटना है जब तक कि वो फ्लोट ना करने लग जाए, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपकी बनेगी। और चाशनी गुलाब जामुन जितनी गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो वो इसके अंदर नहीं जाएगी, और पतली होगी तो बहुत ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी उसमें डालने से। तो ये लीजिए, मैंने सारी फ्राई करके डिप कर दी है चाशनी में, बिल्कुल तैयार हो गई मेरी इमरती। तो ये लीजिए भाई, इमरती रानी आ गई है नहा धो के। कैसी लग रही है आपको, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। किसी भी त्यौहार पे आप बना के एंजॉय करें, कभी भी मीठा खाने का मन हो तभी बना लें। बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सपोर्ट करें चैनल को, प्लीज़ अपने कमेंट और लाइक ज़रूर दिया करें, इंतज़ार रहता है मुझे आपके कमेंट का। इसके अलावा आपको मेरे से कौन सी रेसिपी चाहिए प्लीज़ कमेंट किया करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली बड़ी ऐसी रेसिपी में।